पागबाड़ा से कुनर की जा रही तेज रफ्तार डग्गामार बस विज्ञापन पोल से टकरा गई। हादसा रविवार दोपहर करीब 2:16 पर हुआ। विज्ञापन का पोल केवल तिरछा हुआ, ये शुक्र रहा। अगर विज्ञापन का खंभा नीचे बस पर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि 4-5 यात्रियों को ही मामूली चोटें आई। हादसे में किसी के हताहत न होने से सभी ने राहत की सांस ली। कंडक्टर और ड्राइवर घटना के बाद मौके से फरार हो गए। दुर्घटना में घायल यात्रियों को घटना पर पहुंची पागबाड़ा पुलिस ने निजी वाहन से अस्पताल भेजा। रविवार की सुबह पागबाड़ा से कुंदरकी चलने वाली डग्गामार बस ही पागबाड़ा से सवारियां भरकर कुंदरकी जा रही थी। बस में डिंगरपुर और कुंदरकी के यात्री सवार थे और जैसे ही बस पागबाड़ा से 2 किलोमीटर आगे एबीएन भट्टे के पास पहुंची तभी बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर चढ़ते हुए विज्ञापन पोल से टकरा गई। बस में टकराने के बाद चीख पुकार मच गई जिससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी हो गई। 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना की सूचना पर पहुंचे पागबाड़ा थाने के इंचार्ज राजीव कुमार ने घायलों को निजी वाहन से अस्पताल भेजा। बस में सवार यात्रियों का कहना है कि बस चालक बस को तेजी से चला रहा था जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हुई और डिवाइडर पर चढ़ने पर विज्ञापन पोल से टकरा गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। इसमें ही आ रहे थे साहब हम तो पागबाड़े से। अच्छा, तो क्या हुआ साहब? हम आगे बैठे थे, पता ना क्या हुआ, गाड़ी तेज चल रही थी। तो वही यहाँ पड़े हुए कितनी देर हो गई? सर आधा एक घंटा हो गया। कितनी चोट लगी आपके? चोट बहुत है सर, टांग नहीं उठी मेरी। अच्छा, आपको कभी कोई सुविधा नहीं मिली अभी कोई? नहीं सर, कोई सुविधा नहीं मिली है। मेरे कान में भी खून निकल गया और धुंधला धुंधला दिख रहा है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? शीलपुर जी? हाँ जी। अच्छा,